everyone, and you're watching Bollywood Life and India.com. And today we have with us someone who's known for his rough and tough performances, Abhimanyu Singh. Hi Abhimanyu, how are you? Hello, I'm good, thank you. How are you? All good, sir. So Suryavanshi has received a massive opening, and the very first question that comes to my mind is that your character has also watched a lot of appreciation. Considering ये एक negative character है, फिर भी इतना appreciation मिल रहा है, सोचा आपने ऐसा होगा? हाँ, जिस तरह से रोहित सर ने मुझे present करना शुरू किया, I was damn sure कि जिस दिन ये film आएगी, people are going to be loving my character and that is what is exactly happening right now. Film sign करते वक्त आपको apprehension नहीं था कि इतना negative character है, multi star cast है, शायद it might not go well in people's mind? कुछ भी नहीं, because the moment I got the call from Rohit sir, I was damn confident. The moment I met him, I knew that okay, now I'm in safe hands. और मुझे लगा था कि वो पूरी जस्टिस करेंगे, और उन्होंने जिस तरह से मुझे शूट किया है, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल. और जिस तरह से उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया, जो भी उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया, उन्होंने वो पूरा किया. एक्चुअली दैट्स एविडेंट ऑन स्क्रीन. बट अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यू नो, सिंस यू नो दिस वाज आल्सो एन एंटागनिस्ट दैट यू प्लेड, एंड यूजुअली ऐसा रहा है सर, आपकी जितनी भी फिल्में रही हैं, मेजॉरिटी ऑफ द रोल्स यू नो यू हैव पोर्ट्रेड अ नेगेटिव किरदार, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये आपका चॉइस रहता है, या कोई रीजन है कि डायरेक्टर्स को या कास्टिंग के दौरान वो आपका लुक वैसा आता है, या व्हाट डू यू फील? अब जैसे आई रिमेंबर व्हेन आई डिड माय फर्स्ट नेगेटिव विद राम गोपाल वर्मा, रक्त चरित्र, और वो कैरेक्टर इतना हॉन्टिंग निकल के आया कि उससे साउथ में मैं काम करने लगा, एंड आई स्टार्टेड डूइंग नेगेटिव देयर. तो यहाँ पे लोगों को लगा कि अच्छा, लेट्स यूज हिम इन नेगेटिव रोल्स, एंड दैट्स व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग विद मी. नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, इन आवर सिनेमा आफ्टर द हीरो एंड हीरोइन, विलेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले, बिकॉज कैरेक्टर रोल्स आप करोगे तो आप उतने स्टैंड आउट नहीं होते. तो या तो आप मेन प्रोटैगनिस्ट करो, या तो आप मेन एंटैगनिस्ट करो, आपके पास दो ही चॉइस है. तो फिलहाल तो जिस तरह के मेरे पास रोल्स आए, उसमें नेगेटिव रोल ऑफर आए, बट थैंकफुली अभी मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स में मैं पॉजिटिव लीड में भी हूँ, और कॉमेडी भी कर रहा हूँ, और अलग अलग तरह के किरदार में कर रहा हूँ. बच्चन पांडे में भी हाँ, मेरा मैं ऐसा टिपिकल कोई वहाँ नेगेटिव नहीं हूँ. बट सर, कैसा प्रोसेस रहा अक्षय सर, अजय, रणवीर, मतलब आई थिंक बहुत ही सेट पे इतना, जब यू नो इतना स्टेलर कास्ट हो, एक्सपीरियंस कैसा था शूटिंग के दौरान? बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था, बिकॉज रोहित सर के सेट पे ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, और कुछ भी आप रहने, तो कितनी भी पब्लिक हो, कुछ भी हो, पर वहाँ पे एक वर्क का डिकोरम है, और वो सब लोग मेंटेन करते हैं. तो एक डिसिप्लिन के तहत ही काम होता है, और वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद सब एक्टर्स एक जैसे ही हैं वहाँ पे. फिर ऐसा नहीं है कि कोई स्टार है या कोई कुछ है, तो इस तरह का इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करते हैं रोहित सर. तो अपने आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हो. और अक्षय सर, अजय सर, रणवीर, एवरीबडी मेड मी फील सो कंफर्टेबल ऑन द सेट. विद रणवीर आई हैव ऑलरेडी वर्क बिफोर, और अक्षय सर के साथ भी ये सेकेंड फिल्म थी, तो अक्षय सर ऑल्सो मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल. तो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट इफ यू आर वर्किंग विद बिग स्टार्स, दे रियली मेक यू फील कंफर्टेबल ऑन सेट, एंड दैट फॉर्चुनेटली हैपेंड विद मी. दैट्स ट्रू. बट ऑल्सो यू नो, सच अ गुड ईयर फॉर यू. रजनी सर के साथ भी आपने हाल ही में काम किया है, हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? या दैट्स दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्क विद हिम, बिकॉज इट्स बीन माय ड्रीम टू वर्क विद हिम. इट्स अ ड्रीम ऑफ एवरी एक्टर आई गेस to work once with Rajni sir, because he's a legend. And bahut acha experience raha, bahut simple hai. After becoming so successful, after becoming so big, he is still so grounded. Ekdam normal behavior hai unka. Aap shocked ho jaoge unko dekh ke ki ye Rajni sir kaise ho sakte hain, kyunki kuch bhi, ha, itne simple aur itne grounded aur itne ऑनेस्ट आदमी है, और जो दिल में है वो मुंह पे है. अगर वो आपको लाइक करते हैं तो इमीडिएटली वो आपको अप्रिशिएट करेंगे. कोई असिस्टेंट डायरेक्टर भी अगर जाके उनको कुछ समझाने की कोशिश करता है, तो उसको भी सर बोलते हैं वो, कि ओके सर. ओह दैट्स ग्रेट.
तो खुद ही शर्मा जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर की, मैं क्यों उनको समझा रहा हूँ। वो बहुत ही बहुत, और कहीं से कोई इनसिक्योरिटी नहीं उनको छूटे गई, और इस लेवल पे पहुंचने के बाद मुझे लगा कि काफी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। एक वो फील आया मुझे। अच्छा। जब इस पॉइंट पे वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ उनका झुकाव, उनका पहनावा और वो सब तो पहले से ही काफी पॉम्पस तो था नहीं कुछ भी उनके बारे में, तो वो कहीं ना कहीं उनका लाइफस्टाइल उनको एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ अपने आप लेके जा रहा होगा, आई गेस। अच्छा सर, अब आपके साथ ना बिल्कुल एक मस्ती वाला एक राउंड खेलना है मुझे, थोड़ी सी हम मस्ती करेंगे अब, ठीक है? तो एक अब मैं आपके साथ गेम खेलने वाली हूँ, इस राउंड का नाम है सेट सीक्रेट्स। जल्दी से क्विक छोटा सा गेम है, तो सर आप तैयार है? मैं आपसे सेट पे सूर्यवंशी की सेट की कुछ बातें पूछूंगी, ठीक है? तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि सेट पे सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन था? होता है ना प्रैंकस्टर टाइप, जो कि हमने बहुत बार सुना है, अक्षय अजय ये दोनों ही बहुत बड़े प्रैंकस्टर्स हैं, बट इस बार सूर्यवंशी में कुछ ऐसा था माहौल? मुझे तो लग रहा है कि इस बार रणवीर सिंह ने ही बाजी मारी है प्रैंकस्टर में, क्योंकि इस फिल्म का टोन थोड़ा सीरियस था, तो हम थोड़ा सीरियस जोन में ही थे। हालांकि मैं और अक्षय सर बीच में छत पे एक्शन करते हुए बीच बीच में थोड़ा हंस लेते थे, कुछ लाइट बातें कर लेते थे, पर जब से रणवीर आया तो उसने फिर माहौल को काफ़ी लाइट बना दिया वहाँ पे, और तो थोड़ा इतना टेंस भरे सिचुएशन में वो थोड़ा सा फनी था। बट कोई ऐसा किस्सा आपको याद आ रहा हो, कोई प्रैंक हुआ हो या कोई ऐसी मस्ती, कोई किस्सा याद आ रहा हो आपको? हाँ याद आ रहा है, जैसे कि जब मैं फाइनल क्लाइमेक्स के पहले जो मैं डायलॉग मार रहा हूँ यहाँ पे अक्षय सर के नेक पे नाइफ रख के, तो उसमें सडनली मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप ये लाइन ऐड कीजिए कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो मैंने वो उसको पूछा अक्षय सर को कि तुम बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने बोला कि मैं चिंग नूडल्स खाना चाहता हूँ, तो सब लोग हंस पड़े, तो पता चला कि वो प्रैंक था और वो लाइन मुझे दी गई थी ताकि वो लाइन बोले और सब लोग हंसी आए। अरे वाह क्या बात है, नहीं बहुत बढ़िया, नहीं जनरली बहुत बढ़िया, वी कैन एक्सपेक्ट दैट आउट ऑफ अक्षय सर। अच्छा और सर फिर रोहित बोला नहीं वो मजाक कर रहे थे। और सबसे ज्यादा सीरियस मूड किसका रहता था हमेशा, मतलब इनटू द जोन मेथड चल रहा है, सीरियस हो रखे है? सीरियस तो मेरे ख्याल से वैसे तो कोई भी नहीं था, मगर अजय सर तो थोड़े सीरियस ही रहते हैं। मुझे आई स्वेयर मेरे दिमाग में यही नाम चल रहा था, पता नहीं आप यही नाम बोल दो कि अजय सर है सिंघम, क्योंकि मेरा बेटा भी वहां आया हुआ था एक दिन, और मेरा बेटा बचपन से सिंघम 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 देख के ऐसे ऐसे करता था, वो तो वो आया था शूट पे सूर्यवंशी के, और मैं चला गया, मेरा अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट था, तो बाद में जब अजय सर निकले तो ये हम लोग का रूम उसी फ्लोर पे था, ये बाहर गैलरी में खेल रहा था, और जैसे ही इसने अजय सर को देखा वहां से बहुत जोर से भागा, और भाग के आके मेरी वाइफ को बताया कि अरे मम्मा देखो सिंघम जा रहा था सिंघम। मेरी वाइफ ने बोला तो इसमें डरने की क्या बात है, क्या हुआ ऐसे, क्या वो थोड़े आपको मारते या कुछ करते, तो उसने बोला नहीं बहुत एकदम सीरियसली ऐसे स्ट्रेट चले जा रहे थे। आई थिंक उनका ऑरा ही ऐसा है ना, पर वो बहुत प्यारे इंसान, बहुत अच्छे आप। अच्छा सेट पे वन टेक आर्टिस्ट कौन रहा है, कि मतलब आप सोचते थे अरे बस खत्म? अब वन टेक आर्टिस्ट ये मैं तो खुद से क्या बताऊं, पर मेरे ज्यादातर टेक्स सिंगल टेक ही रहे। सिंगल नहीं हूं मैं हूं। क्या बात है सर, नहीं बिल्कुल। और अगर मैं आपसे पूछूं रीटेक, कभी कोई ऐसा दिन आया हो कि किसी के बहुत सारे रीटेक हो गए हो, कोई ऐसा किस्सा? हां पर वो एक ऐसे ही, मतलब आर्टिस्ट का नाम नहीं बताऊंगा, पर एक आर्टिस्ट थी जिसकी वजह से 8-9 रीटेक हो गए, छोटा सा ही डायलॉग था जबकि, तो कभी-कभी कुछ नए आर्टिस्ट आते हैं तो वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, तो उनसे गलतियां हो जाती हैं, कई बार वो नर्वस भी हो जाते हैं इतने बड़े सेटअप में, पर रोहित इतने अच्छे कूल डायरेक्टर हैं कि वो बहुत ही कूलली सब कुछ हैंडल करते हैं, मतलब पूरी फिल्म में एक भी बार मैंने नहीं देखा कि उन्होंने अपना वॉइस रेज किया पूरी फिल्म में, जबकि इतना एक्शन इतना तामझाम इतना सब कुछ हो रहा है कि बिना चिल्लाए वहाँ काम नहीं हो सकता, इन्होंने कभी एक भी बार अपनी वॉइस भी तेज बात भी नहीं,
सब कुछ ऐसे हो। उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, उनकी टीम भी आई थिंक रेगुलर है राइट, वो एक हां तुमको मालूम है कि क्या करना है तो फटाफट सब बहुत ही स्मूथली सब कुछ चलता है। दैट्स बैड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट पे सबसे ज्यादा पंचुअल कौन रहता है, सबसे पहले पंचुअल तो सेट पे सब लोग थे, बिकॉज जितने बजे जिसको कॉल टाइम मिला तो सबसे पहले मैं जिम में जाता हूँ, तो जिम में मुझे अक्षय सर ऑलरेडी मिलते थे पहले, और उसके बाद मैं जब निकल रहा हूँ जिम से तो वो मुझसे पूछते थे कि तेरा कितने बजे का कॉल टाइम है। मैंने कहा कि मैं मेरा है 7:45 का, तो आपका भी होगा ना, आप भी आइए। तो बोले नहीं नहीं मेरा 8:30 का है, तो पहले तू पहुँच उसके बाद मैं आऊँगा। तो जिसको जो टाइम था वो तो वहाँ पहुँच ही रहा था। कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरा और अक्षय सर का साथ में सीन है, मैंने उनको बोला कि आपका हमारा तो साथ में ही है ना, तो साथ में चलेंगे, मैं भी थोड़ा और 15 मिनट कर लेता हूँ जिम। तो बोले ना ना तुम मेरे चक्कर में मत रहियो, तू निकल ले। जब तक मैं वहाँ पहुंचू मैं देखूंगा वो भी पहुंचे हुए, वो भी पहुंचे हुए। अरे बाप रे वाह, क्या बात। तो आपको मतलब यू हैव टू बी रियली केयरफुल, आप मतलब एकदम आपको पंक्चुअल होना ही है वहाँ। That's great. अगर मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछूं कि बेस्ट मेमोरी आपकी, फुल एकदम जो यादगार पल, यू विल टेक इट फॉरएवर फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। जब मेरा पहला दिन था सूर्यवंशी का, और जब मैंने अपना पहला शॉट दिया और लंबे डायलॉग्स थे, इंटरोगेशन सीन था, और पहले टेक के बाद ही रोहित सर ने मुझे बोला ओके, और वो आए और उन्होंने मुझे पीछे से ऐसे टैप किया, और उसमें बहुत वार्म था कि मतलब तूने सिंगल टेक में इसको कर दिया। और मैंने उनके तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, और एक स्माइल एक्सचेंज हुई, और मुझे बहुत ही सुकून मिला कि इतना कॉन्फिडेंट डायरेक्टर है, इनको पहली बार में पहला टेक मिला, और ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट टेकिंग अनदर टेक, ही सेड कि चलो नाउ वी आर मूविंग अहेड। तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, और वो बहुत अच्छा पल था, और उस मोमेंट पे मुझे लगा कि पूरी फिल्म बहुत अच्छे से होगी। I think this has been amazing. Thank you so much for joining us. Audiences, ये सुनने के बाद I'm sure बहुत सारी valuable insights के साथ घर जाएंगी. So thank you so much for that. Thank you so much. Love and you. Once again, congratulations for such an amazing response. I think it's going fast. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you for joining.